दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ पैकेट। न्यूज़ पैकेट में आपका स्वागत है। हमारे पीछे देखिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और इसमें तमाम तरह के पदाधिकारी भी बैठे हैं, और सीधे इनका आरोप है कि अडानी को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार को यानी भाजपा सरकार को घेरने में लगे हैं। सीधे तौर पर चलते हैं, कुछ क्या दिक्कतें आ रही हैं, आप लोग क्यों यहाँ पर आज धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? आज हम लोग जो पिछले 9 वर्षों से इस देश में जो व्यक्ति 2014 में विश्व में 600वें स्थान पे था रईसी में, वो आदरणीय मोदी जी की कृपा से पिछले कुछ वर्षों से विश्व का दूसरा सबसे धनी व्यक्ति हो गया। लेकिन जब इसकी कलाई खुली एक रिपोर्ट के द्वारा, तो देश की जनता को मालूम चला कि उन्होंने जो अपनी गाढ़ी कमाई LIC और SBI में लगा रखी थी, उन पैसों के लूट खसोट करके मोदी सरकार ने अडानी को सीधे सीधे लाभ पहुंचा करके देश की जनता के साथ देश बहुत बड़ा छलावा किया है, जिसके खिलाफ पूरे देश भर में कांग्रेस के लोग SBI बैंक के सामने बैठ करके धरना प्रदर्शन किए हैं। आज उसी कड़ी में बनारस के हमारे जिला अध्यक्ष जी और बनारस के सभी सम्मानित कांग्रेसजनों के साथ हम सब लोग यहाँ की मुख्य शाखा पे बैठ करके मांग कर रहे हैं कि संसद में इस मुद्दे पे बहस हो, संसद में JCP का गठन हो, और जो राहुल गांधी जी 2014 के बाद से बोल रहे थे वो चीज़ें दर परत देश के सामने आ रही हैं। इसकी सच्चाई सरकार स्वयं रखे और देश से माफ़ी मांगे कि उन्होंने देश के गरीब लोगों का, देश के मध्यवर्गीय लोगों का पैसा जो उन्होंने अपने पेट काट करके अपने जीवन को उपार्जन करने के बाद जो थोड़ा बहुत बचा उसको अपने बच्चों की पढ़ाई, बेटे की शादी के लिए रखा है LIC और SBI में, उसकी जो लूट खसोट हुई है, सीधे सीधे कहा जाए डकैती हुई है, उसके खिलाफ उन पैसों को सुरक्षित करने का काम करें और अडानी को तत्काल गिरफ्तार करके उनके ऊपर महाभियोग चलाने का काम करें। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात कल जो सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पे हमारे नेता राहुल गांधी जी ने अपनी जो बात रखी है वो बात पूरा देश जानना चाहता है। जहाँ तक मोदी सरकार और उनके लोगों ने बार बार कहा कि जे राहुल गांधी ने जितने आरोप लगाए कि कागज़ दिखाएं, आप सबको मालूम होगा कि हिंडनबर्ग ने एक कागज़ दिखाया है, एंडरसन ने जो कागज़ दिखाया है, पूरी दुनिया में मोदी सरकार की थूथू हो रही है। और शेयर मोदी सरकार के द्वारा अडानी का था, आज वो औंधे मुँह गिर चुका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस के लोग अडानी की खिलाफत कर रहे हैं, BJP सरकार खिलाफत कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता अडानी के शेयर को क्यों नहीं खरीदते, क्यों नहीं बचा लेते? क्योंकि अडानी डूब रहा है। और इसी सवाल को राहुल गांधी जी ने कहा कि जब 2013-14 में जो अडानी 609 नंबर का उद्योगपति था, जिसकी संपत्ति $8 बिलियन थी, वो $140 बिलियन कैसे हो गई? सवाल यही है। राहुल गांधी ने पूछा कि मोदी जी बताएं कि जब से प्रधानमंत्री हुए, क्योंकि पहले लोकल थे तो अडानी के फ्लाइट में टहलते थे हेलीकॉप्टर में, और जब से वो इंटरनेशनल हो गए तो अडानी उनके फ्लाइट में टहलता है, तो 8 सालों में अडानी मोदी के साथ कितनी बार यात्रा पे गए, मोदी जी जिन देशों में यात्रा करके लौटे वहाँ अडानी कितनी बार गए, और कितने ठेके मिले? क्योंकि आज बात की जाए एयरपोर्ट की तो 30% से ज़्यादा एयरपोर्ट के ठीक जो है शेयर अडानी के पास है, 37% जो एयरलाइंस उनके एयरपोर्ट्स उनके द्वारा गुजरती हैं। आज चाहे पावर प्रोजेक्ट की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, और कोयले का नाम लेकर के ऑस्ट्रेलिया स्टेट बैंक, ये स्टेट बैंक जो $1 बिलियन लोन दिया, और उस समय आपको मालूम होना चाहिए कि अडानी की वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी। आज यहाँ पे हम बैठे हैं, भारत के गरीब जनता का, आम आदमी का, मध्यम वर्ग का,
इस बैंक से बहुत नाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 27,000 करोड़ रुपया डूबने जा रहा है। LIC का जो हर घर में लोग जो नारा था कि जीवन के साथ और जीवन के बाद भी, वो नारा बदल गया है। वो नारा ये है कि अडानी के साथ और अडानी के अंत में हमारे LIC का पैसा डूबने जा रहा है 36,000 करोड़ का। बात यही है कि मोदी जी आज संसद में अपनी बात को रखेंगे। वाराणसी के सांसद हैं, वो देश को बतावें कि उनकी यात्रा से अडानी को कितना फायदा हुआ। अडानी कैसे 8 अरब बिलियन डॉलर से वो 140 बिलियन डॉलर तक कैसे पहुंच गया। देखिए कि यहाँ पे कांग्रेस के लोग हैं और दर्जनों लोग हैं और आज यहाँ पे विरोध जता रहे हैं अडानी को लेकर। जिस तरीके से अडानी का लगातार शेयर मार्केट गिर रहा है और सीधे तौर पे भाजपा पे ये तंज भी करते हैं कि भाजपा के लोग अडानी के शेयर को क्यों नहीं खरीदते, तो देखिए कि जिस तरीके से हम सीधे तौर पे मांग कर रहे हैं कि सदन में इसके बातें उठाई जाए और इस पर चर्चा हो। लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।